अब खबर देहरादून से है, जहां सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर ने उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में ग्राम कैंचीवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण का मुद्दा उठाया है। विधायक ने नियम 300 के अंतर्गत विद्यालय उच्चीकरण संबंधी विषय को सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंचीवाला के उच्चीकरण के विषय में पूर्व में भी ग्रामवासियों के द्वारा संबंधित विभाग से कई बार लिखित और मौखिक रूप से अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस प्रस्ताव पर सदन में स्वीकृति प्रदान करते हुए सकारात्मक कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है। देहरादून से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 के अंतर्गत आपने मेरी सूचना को स्वीकार किया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जनपद देहरादून की विधानसभा सहसपुर के अंतर्गत ग्राम कैंचीवाला में राजकीय उच्चतर महाविद्यालय में कैंचीवाला के उच्चीकरण हेतु क्षेत्रवासी काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। आसपास कोई भी इंटर कॉलेज न होने के कारण छात्र छात्राओं को पठन पाठन हेतु अत्यधिक दूरी पर स्थित इंटर कॉलेज में जाना पड़ता है, जिस कारण से छात्र छात्राओं उनके अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही उनकी पढ़ाई पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उक्त विद्यालय के उच्चीकरण हेतु पूर्व में भी मेरे व क्षेत्रवासियों के द्वारा संबंधित विभाग से लिखित एवं मौखिक रूप से अनुरोध किया गया था, लेकिन आज तिथि तक भी उक्त विद्यालय के उच्चीकरण हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिस कारण से विधानसभा के निवासियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है तथा परिस्थिति कभी भी उग्र आंदोलन का रूप धारण कर सकती है। अतः मैं इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर नियम 300 के अंतर्गत सदन की कार्रवाई की मांग कर